संयुक्त किसान मोर्चा ने NH 9 फ्लाईओवर को जाम कर भारत बंद का आह्वान किया है। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर बैठे किसानों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, यह आंदोलन निरंतर इसी तरह से जारी रहेगा। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता का भी उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है और यह बंद सरकार को एक चेतावनी है। अगर वह जल्द ही किसानों की मांगों को लेकर किसानों से बात नहीं करती तो यह आंदोलन और उग्र होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने NH 9 को शाम तक भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जिस तरह से कृषि कानून को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं उससे किसान बेहद दुखी है। यही वजह है कि अब किसान सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। आपको बता दें, इस भारत बंद को सफल बनाने में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी व किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस बंद के जरिए कहीं ना कहीं किसान अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आज भारत को बंद सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन और पुलिस, CRPF और PSC के जवानों को तैनात कर किसानों को एक जगह रोक रखा है ताकि आम जनता को इस भारत बंद के दौरान कोई दिक्कत ना हो। किसान कोई नहीं कर रहा, किसान खुद परेशान है। किसान इतना दुखी है दादाजी के कह नहीं सकता, अपना दुख नहीं बता सकता। जब ये कोई किसान का शौक नहीं है यहाँ बैठना, इस दोपहरिया में मोदी जी बैठ के दिखा दें हमें एक घंटा, ये भी कोई मजबूरी है, परेशानी है इस किसान के साथ जो दोपहरिया में बैठा। इससे फ़ायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, हमारी पूजा है, भक्ति है, परमात्मा जाने क्या हमें ये फल मिले ऐसे पब्लिक को परेशान करके। मतलब मैं बताऊँ तो क्या आपका हल निकल जाएगा? देखिए, पब्लिक परेशान नहीं है, हमने जो है हमारे बच्चे जो है पढ़ने वाले वो भी जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस जा रही है, बंद कौन है? जो इसके अनुयायी हैं वो जो जाने वाले हैं वो बंद हैं, जो इसे देखने वाले हैं इसके मिलने वाले वो बंद हैं, और कौन बंद है? हमें समर्थन का तो पता चलेगा, हम ही तो अब तो फिलहाल में तो सड़क पे हैं। अब इस चीज़ का तो जो हमें जो 2-4 घंटे 10-5 घंटे जब भारत बंद हो जाएगा 4 बजे के बाद में हमें पता चलेगा। वैसे हमें ये उम्मीद है पूरा देश हमारे साथ में है, पूरा देश, देश का एक एक नागरिक जन आंदोलन बन चुका है, एक एक देश का नागरिक हमारे साथ में है आज। पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक जगह जगह रोड जाम हो गए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, संघर्ष जब चलता है तो परेशानी तो होती है, जो लोग परेशान हैं हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई उन्हीं की लड़ रहे हैं जो लोग परेशान हैं, इसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो लोग परेशान हैं और वैसे हम उनके साथ हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। समर्थन तो पूरे भारत का ही है ऑल ओवर। देखिए, जिस तरह हमें भी हम यहाँ पर आने में 3 घंटे लग गए, यानी हर जगह इतना ज़्यादा जाम था, रोके लगा रखे थे, तमाम मार्केट में तो बंद ही देखी, ऐसा लगा मतलब कामयाब है। हालांकि 10 महीने में 11 महीने में किसानों ने तीसरी बार भारत बंद का कॉल दी है, तीनों बार कामयाब रहे हैं, तो ये कामयाबी है किसानों की, भारत के अन्नदाता की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये कोई कहते हैं अपना कोई एक फरमान जारी करते हैं और पब्लिक उसको इजीली मान भी लेती है। देखो, किसान और सरकार की लड़ाई है, इसमें जनता परेशान हो रही है, उसको क्या कहेंगे आप? किसान और सरकार की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत की और सरकार की लड़ाई है। भारत एक अन्नदाता कहलाता है, यहाँ पे अन्नदाता माने जाते हैं, किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो 2-4 किसान तो है नहीं यहाँ, तो ज़्यादातर जो काम है वो कृषि का ही काम है, ज़्यादातर किसान ही है। भारत के हर घर में आपको किसान नज़र आ जाएगा। तो ये भारत की और पूरी सीधी सरकार की लड़ाई किसान और सरकार की नहीं है। किसान किसके लिए लड़ रहा है? किसान हमारे लिए लड़ रहा है, आम जनता के लिए लड़ रहा है, किसान रोटी के लिए लड़ रहा है। किसान को क्या मुसीबत आई थी यहाँ पर पड़ा हुआ है, मर रहा है, खप रहा है? किसान के पास खेत हैं, खलियान है, वो चाहे तो अपने लिए खेती करके खुद खा सकता है, लेकिन वो हमें बचाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि देखो रोटी खतरे में है, देखो संविधान खतरे में, देखो अगर ये 3 काले कानून लागू हो गए तो तुम्हारे पास रोटी नहीं पहुँचेगी। अभी आप देखिए कि सेब जो है वो 28 रुपये किलो किसानों से लेकर ये जो अदानी है ये 250-300 रुपये किलो बेच रहा है, तो अभी तो कुछ लागू भी नहीं हुआ, अभी से फ़र्क दिखना शुरू हो गया। अब सब चीज़ें देखो, हर चीज़ को प्राइवेट खातों में दे रहे हैं, सब चीज़।